धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक दीक्षा भूमि पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि मैदान में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तभी से ये जगह बौद्ध धर्म और डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायियों के लिए न केवल बड़ी आस्था बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। सोमवार को लोगों का भारी जनसैलाब दर्शन के लिए दीक्षा भूमि परिसर में उमड़ा दिखाई दिया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर के इसी दीक्षा भूमि मैदान पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस घटना के बाद से ये जो मैदान है और ये जो जगह है दीक्षा भूमि के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल जैसा ही है। तो 14 अक्टूबर को हर दिन यहाँ पर देश भर के जो नागरिक हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, बड़ी संख्या पे यहाँ पर आते हैं और इस जगह के दर्शन लेते हैं। अंदर में जो अस्थि कलश रखे हुए हैं उसके दर्शन लेते हैं। बौद्ध धर्म के लिए ये जगह बेहद पवित्र मानी जाती है। तो 2 दिनों तक यहाँ पर समारोह होता है। विजयादशमी के दिन भी, जिस दिन 1956 में जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने दीक्षा ली थी, वो दिन विजयादशमी का था, इसलिए उस दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर देश और विदेश से भी जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और 14 अक्टूबर की तारीख के दिन भी बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस जगह के दर्शन करते हैं। तो नागपुर का दीक्षा भूमि परिसर जो है वो पूरी तरीके से बड़ा आस्था का केंद्र है और यहाँ पर 14 अक्टूबर के दिन या धर्म चक्र प्रवर्तन दिन के दिन एक मेले जैसा वातावरण होता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं। इस बार जो नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है, वहाँ पर समाज प्रबोधन का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ दूर दराज से लोग जो हैं वो दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी भावनाएं, उनकी आस्था इस जगह को लेकर किस तरीके से है। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक क्रांति के तौर पर इसे जाना जाता है। बाबा साहेबानी 14 अक्टूबरला 1956 दीक्षा दिली होती। त्यानुसार आम्ही हरवर्षी आमच्या विहारातल्या सगळ्या 10-12 महिला घेऊन आम्ही ॲटोने इथपर्यंत येत असतो। बाबासाहेबांच्या ऊर्जामुळे आम्ही इथे येतो। या जागाबद्दल कितकी आदर आहे, कितका तुमचा प्रेम आहे आणि बाबासाहेबांनी जे एक संपूर्ण समाजाला दिशा देण्याचं काम केलं आहे त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचं पण हे जे माध्यम आहे ते सवरा लोकांचं आहे। त्या जागा वाचवण्यासाठी आम्ही इथे येतो आणि ते जागा ऊर्जाभूमी म्हणून तिथली ऊर्जा घेऊन आपण हे करतो। आप ये बताइए कि इस जगह में आने के बाद में किस तरीके की प्रेरणा मिलती है और कितना महत्वपूर्ण है, इसे बहुत सारे लोग ऊर्जा का केंद्र भी मानते हैं। ये एक शिक्षा का स्रोत है मेरे हिसाब से, कि जो शिक्षित लोग हैं वो ज़रूर इसे फॉलो करेंगे और इसका दर्शन लेने के लिए ज़रूर आएंगे। ऐसी बात है कि वो जब बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, दीक्षा यहाँ पर वो दिन दसरे का दिन आया था, पर लेकिन वो दिन 14 अक्टूबर था, इसलिए हम सब लोग 14 अक्टूबर को ज़्यादा मानते हैं और दसरे के दिन जो लोग बाहर से आते हैं इसलिए वो मनाते हैं। फिर जो नागपुर वाले या नज़दीक के लोग जिनको समझता है वो 14 अक्टूबर ज़्यादा मानते हैं। तो नागपुर के जो लोग हैं वो 14 अक्टूबर के दिन आते हैं और यहाँ पर जो है वो दर्शन का लाभ लेते हैं। तो इस तरीके से जो दीक्षा भूमि परिसर है, पूरा का पूरा परिसर हमें दिखाई दे रहा है और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं नागपुर महानगर पालिका द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और जो पुलिस विभाग है उसके माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर विकसित की गई हैं ताकि यहाँ जो पहुँचने वाले नागरिक हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन के जैसे ही 14 अक्टूबर की जो तारीख है वहाँ पर भी दीक्षा भूमि का नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है कि उत्सव का पूरा वातावरण है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्यश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।